Hello friends, this is Umang Tiwari and I welcome you on Unacademy. Academy आपके लिए लेकर के आया है SSCs और railways को crack करने के लिए specialist mechanized course, जिसमें कि आप वो tactics और वो strategy बनाएंगे जिससे कि आप अपनी dream job को पा सकें. और इसके लिए आपको from all over India subject experts, educators जो आपको guide करेंगे. तो देर इज सम ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द कोर्स. यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इंग्लिश, जनरल स्टडीज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इन सभी के लिए स्पेशलाइज्ड टीचर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, एजुकेटर्स हैं जो आपको आपके सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराएंगे. और ड्यूरिंग द एग्जाम आपको जो भी परेशानी आ सकती है उसको सॉल्व करने के लिए ये आपको एडवाइस देंगे. तो मेरे कोर्स का जो टॉपिक है उसका नाम है हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स इन 60 डेज विद अनअकैडमी. मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 60 दिन के अंदर अपने जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, जनरल स्टडीज के सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं और उसको रिवाइज करके आप अपनी तैयारी को इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट क्वेश्चंस जो है वो कर सकें एग्जाम में और ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें. थोड़ा सा मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा पहले कि जनरल स्टडीज या करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जिसके बारे में एक आम राय कैंडिडेट्स के बीच में ये होती है कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है और इसमें आप क्वेश्चंस भी ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकते. लेकिन अगर आप मेरे कोर्स के साथ तैयारी करेंगे और जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे आप चलेंगे तो डेफिनेटली आप ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. और जनरल स्टडीज का सेक्शन आपको टाइम भी बचा करके देगा बाकी सेक्शंस मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए. सो देयर इज सम ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी. आई एम उमंग तिवारी एंड आई हैव बीन टीचिंग जीएस एंड करंट अफेयर्स फॉर लास्ट 6 इयर्स. आई हैव माई सेल्फ क्लियर्ड सेवरल एग्जाम्स. आई हैव टॉट अराउंड 5000 स्टूडेंट्स मोर एंड मेनी ऑफ देम हैव गॉट सिलेक्शन इन एसएससीज, रेलवेज एंड बैंकिंग. I have applied some improvised approach to teach you people for general studies and current affairs. मैं आपको एक ऐसी improvised और holistic approach के साथ पढ़ाऊंगा जिससे कि आप अपना जल्दी से जल्दी syllabus भी complete कर पाएंगे और एक analytical जो है insight develop कर पाएंगे subjects के लिए. और मैं आपके साथ जुड़ूंगा सुबह 7:30 से 8:15 और 9:15 से 9:15. 45 मिनट और 30 मिनट के ये दो सेशंस में मैं आपके साथ जुड़ूंगा जिसमें मैं आपको पहले सेशन में द हिंदू और दूसरे सेशन में पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, उसकी रिलीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और एनालाइज करूंगा. तो इसके लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करना है और उसके बाद जाकर के अपना गोल चूज करना है. ऑफकोर्स फॉर माई कोर्स यू विल चूज एसएससी एंड रेलवेज एग्जाम. एंड वॉट आर द बेनिफिट्स वंस यू स्टार्ट विद द कोर्स. आपको सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि वाई शुड आई ज्वाइन अनअकैडमी. तो अनअकैडमी को ज्वाइन करने की कुछ खास वजह हैं. आप जो भी स्टूडेंट्स, जो भी एस्पिरेंट्स एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं, मैनी ऑफ देम हैव टेकन गाइडेंस फ्रॉम अनअकैडमी वीडियोज. तो आपको अनअकैडमी ज्वाइन करने के पीछे जो रीजन है वो बिल्कुल क्लियर कट है. लर्न फ्रॉम योर फेवरेट टीचर्स. यहाँ पे आप अपने फेवरेट टीचर से, फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं. डेडिकेटेड डाउट सेशंस आपको मिलेंगे जिनमें आप अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे. एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप उस कैटेगरी के जो भी एजुकेटर्स हैं उनके लिए आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी. रियल टाइम इंटरेक्शन आपके एजुकेटर्स के साथ होगा और अपने डाउट्स भी आप क्लियर कर सकते हैं. आप अनअकैडमी के वीडियोज को वॉच भी कर सकते हैं एंड इफ यू डोंट हैव टाइम यू कैन डाउनलोड देम एंड वॉच देम व्हेन यू आर free to watch them. Monthly test series, mock test series and weekly test series आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स देंगे, अपने अपने सब्जेक्ट के मास्टर्स देंगे जिनसे कि आप गाइडलाइंस लेंगे और अपने एग्जाम को क्लियर करेंगे. दिस इज द नेविगेशन फॉर्म. आप अपना जो भी सब्सक्रिप्शन का टाइम है उसको सेलेक्ट करेंगे एंड दिस इज माई रेफरल कोड. इफ यू यूज माई रेफरल कोड फॉर फी पेमेंट यू विल गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट ऑन योर फीस. So this is the navigation window, how the Unacademy app will be installed to you. Now the main content, course objective.
So the objective of my course is to prepare to make you prepare for your exam within 60 days for general awareness section. इस कोर्स को अटेंड करने के बाद आप 60 दिनों के बाद आप अपने को इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे और एसएससीज और रेलवेज में जो जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स का सेक्शन पूछा जाता है उसको आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स स्कोर करेंगे. यू विल सी अ डेफिनेट इम्प्रूवमेंट इन योर परफॉर्मेंस. तो जो स्टडी मटेरियल मैं रेफर करूंगा मैं बेसिकली तो दो कंटेंट को रेफर करूंगा, द हिंदू और रिलीज ऑफ पीआईबी. लेकिन इसके साथ साथ तो और भी मैगजीन्स होंगी और भी पीरियोडिकल्स होंगे जिनको कि मैं आपके साथ रेफर करूंगा. तो यहाँ पे बुलेट वाइज अगर आप देखें, द हिंदू रिलीज ऑफ पीआईबी, एनालिसिस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ सेवरल मैगजीन्स विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन एनवायरमेंट. एनवायरमेंट के सेक्शन का जो एनवायरमेंट का जो पोर्शन है क्वेश्चंस में वो बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, क्योंकि एनवायरमेंट के ऊपर जो फोकस है और एनवायरमेंट को लेकर के जो पॉलिसीज बन रही हैं. तो कोई भी इवेंट हो रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक्स रिलेटेड हो, चाहे वो आपका लैंड से रिलेटेड हो, चाहे वो वाटर से रिलेटेड हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, उसका इम्पैक्ट एनवायरमेंट के ऊपर क्या पड़ेगा इस बात को लेकर के काफी कॉन्शियसनेस जो है वो आ गई. इसलिए एनवायरमेंट का सेक्शन आपका एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है. Analysis of periodicals of government for latest scheme updates and political affairs. जो भी हमारे recent politics में recent हमारे जो भी national arena है, national stage पे हमारे government की जो भी latest schemes और political affairs होंगे उनको लेकर भी मैं आपके साथ discussion करूंगा. इसमें मैं the Hindu के articles को भी शामिल करूंगा और भी जो सेवरल हमारे इंटरव्यूज स्पीचेस जो भी आती रहती हैं उसमें भी अगर कोई ऐसा पॉइंट होगा जो कि रेज होगा तो उसको भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. प्रोसीजर देख लीजिए थोड़ा सा. मेरे पास दो सेशन होंगे, 45 मिनट्स का और एक 30 मिनट्स का. उन दोनों सेशंस को भी मैंने फर्दर डिवाइड कर दिया है तीन सेगमेंट में. फर्स्ट 5 मिनट आपके इंट्रोडक्शन के होंगे, कोई भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन और अपडेट होगी जो कि आपको देना जरूरी होगी तो वो मैं शुरू के 5 मिनट में आपको दूंगा. उसके बाद मेरा सेक्शन जो आएगा वो 30 मिनट्स का आएगा जिसमें मैं हिंदू न्यूज़पेपर के रिलेटेड टू इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी, डिफेंस, इन सबसे रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे और आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे, आपको एग्जाम में मदद करेंगे, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, उसका एनालाइज करूंगा, एनालिसिस आपको दूंगा. लास्ट के 10 मिनट्स में हम फॉरेन रिलेशन, ग्लोबल इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और यूएन जैसी जो हमारी और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा. ये ऑर्गेनाइजेशंस या जो भी ग्लोबल इकोनॉमी का इंपैक्ट इंडिया पर पड़ेगा या इंडिया का के जो कोई भी पॉलिसी है जिसका इम्पैक्ट बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे पड़ेगा तो वो डिस्कशन मैं आपसे 10 मिनट में करूंगा. बेसिकली ये हमारा एक तरीके से देखा जाए तो ये 30 मिनट्स जो होंगे, पहले 30 मिनट्स ये आपके रिलेटेड होंगे नेशनल इवेंट से और ये 10 मिनट्स जो बात के होंगे ये आपके रिलेटेड होंगे इंटरनेशनल इवेंट से. फिर मेरा जो सेकंड सेशन होगा 30 मिनट्स का, इसके भी शुरू के 5 मिनट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होगी, कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन जो लास्ट डे हुआ हो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर पाया हूँ या मेरे आने वाले जो 25 मिनट होंगे जो मेन कंटेंट के होंगे उसमें कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी तो वो ये 5 मिनट में डिस्कस मैं आपसे करूंगा. और ये 25 मिनट्स का जो आपका मेन सेशन होगा उस मेन सेशन में मैं मिनिस्ट्री वाइज, डिपार्टमेंट वाइज आपसे रिलीज को डिस्कस करूंगा, प्रेस इन्फॉर्मेशन की जो रिलीजेस होंगी जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट होंगी वो डिस्कशन मैं आपके साथ ये 25 मिनट्स करूंगा. तो इस तरीके से दिन में 75 मिनट में आपके साथ रहूंगा जिसमें कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड द पेपर जो है आपका द हिंदू और पीआईबी की रिलीजेस, इन दोनों से जो आपको इंफॉर्मेशन होगी वो एनालाइज की जाएगी. बेसलाइन मेरे कोर्स की रहेगी बेसिकली टू द मोटिव ऑफ द कोर्स इज टू प्रिपेयर एस्पिरेंट्स टू अटेम्प्ट एज मच एज क्वेश्चंस ऑफ जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स. जनरल स्टडीज के साथ एक जो बेनिफिट भी है और एक जो थोड़ा सा इस पेपर को लेके टफनेस भी मानी जाती है कि कई बार क्वेश्चन को देखने के बाद आपको जो फैक्चुअल क्वेश्चन होता है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है,
तो अगर आपने वो क्वेश्चन सुना भी है या पढ़ा भी है या आपने सिर्फ एक ग्लांस दिया है, आपने नजर एक पढ़ी है, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वो क्वेश्चन देखा ही नहीं है, आपने उसके बारे में कुछ सुना ही नहीं और वो फैक्चुअल क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, तो फिर वो आप तुक्का मारते हैं उसमें, और अगर नेगेटिव मार्किंग है तो वहां पर आपका मार्क्स कट जाता है। तो मेरा जो सबसे पहला बेसिस होगा पढ़ाने के पीछे वो यही होगा कि मैं कम से कम हर टॉपिक आपसे टच करवा पाऊं, हर जो भी इवेंट आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में आपसे बात की जाए, सो दैट यू विल बी एबल टू रिमाइंड ड्यूरिंग योर एग्जाम कि वो वन लाइनर क्वेश्चन, वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जिसके की सीधे सीधे आंसर आपको देने हैं, और एसएससी और रेलवे में इसी तरीके के क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे, एनालिटिकल क्वेश्चन थोड़ा सा कम मिलेंगे। तो कोशिश ये की जाएगी कि आप ज्यादा से ज्यादा फैक्ट को कंज्यूम कर सकें, उनको समझ सकें, और जब हम उसको एनालाइज करके पढ़ेंगे तो आपको वो फैक्ट्स याद भी रहेंगे। सेकेंड जो मेरा बेसिस रहेगा वो ये रहेगा कि फॉर द पर्पस यू विल बी गाइडेड द वे सो दैट यू कैन डेवलप एन इनसाइट अबाउट द हैपनिंग्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अरीना। वो न्यूज, वो व्यूज और जो भी आपने इंफॉर्मेशन जो आप मुझसे पढ़ेंगे देखेंगे उसके बारे में हम इस तरीके से एनालाइज करेंगे कि आपकी भी एक इनसाइट डेवलप हो, हर इवेंट के लिए आपका भी एक इनसाइट डेवलप हो, ताकि आप उसकी जो पीछे की चीज है या उसको फ्यूचर में कोई उसका एस्पेक्ट है और ऑल अराउंड जो उस इंफॉर्मेशन से या उस न्यूज से पढ़ने वाला जो फर्क है वो आप समझ पाए, ताकि अगर कोई एनालिटिकल क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकें। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कोर्स द हिंदू न्यूज़पेपर। हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में हम सभी जानते हैं कि बहुत ही रिनाउंड न्यूज़पेपर है और काफी इसका जो स्कोप है वो ब्रॉड है, लगभग हर न्यूज जो भी इंपॉर्टेंस की होगी वो आपको इस न्यूज़पेपर में मिलेगी। तो मैं जिन चीजों पर आपको फोकस करूंगा वो होगी करंट अफेयर्स पोर्शन विल कवर मैटर्स रिलेटिंग टू नेशनल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, पॉलिटी, डिफेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, पॉलिसी एनालिसिस, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑफ इंडिया। लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरा मतलब है कि जो भी 15 साल, 20 साल या 25 साल का प्लान चॉकआउट गवर्नमेंट करती है तो उसके कई छोटे छोटे हिस्से होते हैं, उसको कई छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में गवर्नमेंट डिवाइड करती है और वो सब मिल करके एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग को बनाते हैं। तो वो छोटी छोटी न्यूज जो है, जो या तो आपके पॉलिसी से रिलेटेड हो सकती है, कोई स्कीम लॉन्च हो सकती है जिसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में होगा, कोई पॉलिटिकल न्यूज हो सकती है, एग्रीकल्चर के फील्ड में कोई छोटी सी एक जो है जिसको कह सकते हैं कि रिफॉर्म हो सकता है, सुधार किया जा सकता है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट लंबा होगा, या नेशनल इकोनॉमी से रिलेटेड कोई एक न्यूज होगी। तो ऐसी चीजें जो कि एक लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा है और उसके बारे में छोटे छोटे आर्टिकल्स न्यूज में जो है वो रोज निकलते रहते हैं, लेकिन उन सबका जो एम है वो किसी एक तरफ है। तो ऐसी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इट विल कंटेन सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड द रोल ऑफ इंडिया एट इंटरनेशनल स्टेज। भारत का बाकी दुनिया के लिए जो किया जाने वाला योगदान है या बाकी दुनिया में कोई हुई ऐसी एक इवेंट है जो कि इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिसी को भी इफेक्ट करती है, तो वो चीजें भी हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होती है। एनालिसिस ऑफ पॉलिसीज एंड अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएन, ईयू, नाटो, सार्क, आसियान एंड अदर रीजनल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एट वर्ल्ड लेवल। भारत में स्थित या भारत से बाहर यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, नाटो, सार्क, आसियान, सार्क, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये सारी हमारी जो संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये ऐसे हैं कि इनकी या तो रिपोर्ट हो या इनका जो है जो ऑफिस बियरर्स हैं, जो इनमें पोस्ट पे अपॉइंट हुए हैं नए लोग, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में जो है वो अक्सर आते रहते हैं, या इनकी किसी रिपोर्ट में इंडिया की क्या रैंकिंग है, इंडिया पिछले साल या लास्ट ईयर जब भी ये रिपोर्ट निकली थी तो किस नंबर पे था, तो इस टाइप के फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपके काफी आते हैं और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम रेगुलर बेसिस पे डिस्कस किया करेंगे। एनालिसिस ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर जो कि मैं आपको सुबह 7:30 से 8:15 में दूंगा, ये क्या क्या आपका कंप्राइज करेगा, इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी ये मैं आपको बताता हूँ कि एनालिसिस ऑफ हिंदू विल कवर फॉलोइंग पोर्शंस: एनालिसिस ऑफ फ्रंट पेज न्यूज, एनालिसिस ऑफ एडिटोरियल्स, एनालिसिस ऑफ कमेंट्स ऑफ एमिनेंट पर्सनालिटीज एंड पोर्शंस ऑफ इंटरव्यूज इफ एनी।
तो हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ पब्लिश होगी उसमें एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स जो पब्लिश होंगे, एमिनेंट पर्सनालिटी से मेरा मतलब है कि इंडिया के जो इंडियन गवर्नमेंट में जो ऑफिस बियरर्स हैं या सेक्रेटरीज हैं या किसी कमीशन के हेड हैं, चेयरमैन हैं, इन लोगों के जो व्यूज होते हैं किसी भी पॉलिसी को लेकर के वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसमें कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी डिस्कस हो जाती हैं जो एग्जाम के लिए एक फैक्ट होता है, और वो फैक्ट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। पोर्शंस ऑफ इंटरव्यूज कभी कभी हमारे न्यूज़पेपर में पब्लिश होते हैं, कोई जो रिनाउंड हमारे जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, वो जब किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो वहां पर भी कई बार जो है ऐसी चीजें उठती हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। और एग्जाम में अगर आप जो रिसेंट एग्जाम्स हो रहे हैं लास्ट 1 या 2 या 3 साल से आप देखेंगे, तो इस तरीके के जो इनडायरेक्ट टॉपिक हैं या इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है उसका रोल अब एग्जाम के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। अब डायरेक्ट जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते थे उसका एग्जाम में आना थोड़ा सा कम हो गया है, और इनडायरेक्ट जो आपके क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में ज्यादा आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एग्जामिनर अब जानना चाहते हैं कि आप कितना ब्रॉड और कितना डीप दोनों तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। सिर्फ एक मैगजीन को रेफर करने से या सिर्फ एक न्यूज़पेपर को रेफर करने से आप काम नहीं चलेगा। यू हैव टू बी वेरी मच ऑन द स्पॉट, और आपका जो स्कोप है वो डाइवर्स होना चाहिए, ब्रॉडनेस होनी चाहिए और डीप एनालिसिस भी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद जो जो कॉम्प्लीमेंट करूंगा मैं हिंदू न्यूज एनालिसिस के चीजों को, वो इन चीजों से करूंगा। मैटर्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक एनालिसिस एंड एक्टिविटीज ऑफ बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट। मैटर्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट अगर कोई होगा इकोनॉमिक एनालिसिस में, बजट के दौरान या इकोनॉमिक सर्वे के दौरान या फिर आपके जो आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी समय समय पर आती रहती है, इनमें भी कई ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो आपके साथ डिस्कस करने से आपको एग्जाम में फायदा होगा। और गवर्नमेंट की जो अटैच बॉडीज हैं, कोई कमीशन जो है वो अपॉइंट करा हुआ है गवर्नमेंट ने, या फिर और कोई शॉर्ट टर्म कमेटी बनाई है, उसका रिपोर्ट का भी काफी एग्जाम में इंपॉर्टेंस होती है। या तो बाय नेम वो पूछ लेते हैं कि दिस कमिटी वाज सेट अप फॉर, या फिर वो उल्टा करके पूछते हैं कि फॉर दिस पर्पस विच कमिटी वाज सेट अप, या फिर कमिटी का आउटकम क्या था, कमिटी की रिकमेंडेशंस क्या थी। ये एग्जाम के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट चीज है, और आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में, पीएससीज में या एसएससी में, इवन यूपीएससी के भी एग्जाम्स में ये आपसे पूछ सकते हैं। और एनालिसिस ऑफ रिलीजेस ऑफ पीआईबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सेशन में आपका लूंगा 8:45 AM to 9:15 AM। पीआईबी के एनालिसिस में मैं आपसे जो बेसिक होगा मेरा एनालिसिस के पीछे वो ये होगा कि मिनिस्ट्री वाइज एनालिसिस ऑफ न्यूज फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज। पीआईबी का एनालिसिस मिनिस्ट्री वाइज हम लोग करेंगे, मिनिस्ट्री वाइज एंड डिपार्टमेंट वाइज, और वन लाइनर इंफॉर्मेशन आपको रिलीज के टॉपिक में दी होगी और उसका थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस एग्जाम के हिसाब से आपके साथ किया जाएगा। पॉलिसीज, स्कीम्स, कैबिनेट डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें जो भी डिसीजन लिए जाएंगे एग्जाम के हिसाब से वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में बाकी चीजें जो मैं जोड़ूंगा इसको मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा उन चीजों से जो अगर आप पीआईबी की रिलीज को अकेले जो है सिर्फ पीआईबी की रिलीज पर फोकस करेंगे तो कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आप छूट जाएंगे, लेकिन इसके साथ हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे ये टॉपिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपका वो पोर्शन पूरा कंप्लीट होता हुआ चलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिसीजन टेकन बाय इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, EAC to PM, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, इसके डिसीजंस हमारे पॉलिसी मेकिंग में काफी यूज में आते हैं, और कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के पीछे की जो बैक साइड इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ से मिलेगी। डिसीजंस एंड स्कीम्स लॉन्च्ड एंड रनिंग बाय अटैच बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल्सो ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज लाइक ICAR, ASI, सर्वेज अबाउट इंडिया, जिसमें कि आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की जो अटैच बॉडीज हैं उनके वो जो काम कर रही है वो काम भी आपकी गवर्नमेंट की प्लानिंग को इफेक्ट भी करता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, जैसे कि एनवायरनमेंट आपका आजकल करंट अफेयर के पोर्शन में एनवायरनमेंट का रोल बढ़ रहा है, उसी तरीके से एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो भी आपके एग्जाम में, अब उसका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर वो भी इंक्रीज हो रहा है काफी।
अब एग्रीकल्चर में कोई टेक्नोलॉजी है जो एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे सकती है, या कोई ऐसा सीड का इन्वेंशन है, कोई ऐसा बीज बन गया है जो कि आपके फसल की पैदावार को बढ़ा सकता है, या फिर इरिगेशन से रिलेटेड कोई ऐसी चीज है जो कि आपको कम पानी में आप ज्यादा से ज्यादा फसल उगा सकते हैं। तो इस टाइप की न्यूज है जो कि एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है और डेडिकेटेड हम इस पे अपनी अप्रोच रखेंगे और काफी एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। व्यूज एंड एनालिसिस ऑफ नेशनल एंड फॉरेन एनालिस्ट। फॉरेन एनालिस्ट और नेशनल एनालिस्ट का इंडियन पॉलिसी के बारे में अगर कोई व्यू है, अब वो सही है या गलत है, या वो किसी एक पर्टिकुलर विचारधारा से निकल के आ रहे हैं, वो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि उसमें अगर कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन निकल के आई है तो वो हमारे किस काम की है, विदाउट एनी बायसनेस। अब इन दोनों चीजों के साथ साथ हिंदू और पीआईबी के साथ करंट अफेयर्स में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कोई भी एस्पिरेंट इसको छोड़ना नहीं चाहेगा अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में। वो है पर्सन इन न्यूज, PIN, जिसको हम शॉर्ट टर्म में जानते हैं, पॉपुलर है ये। तो पर्सन इन न्यूज में आपके अवार्ड विनर्स आ जाते हैं, आपके स्पोर्ट्समैन आ जाते हैं, या फिर और भी कोई पर्सनैलिटी है जो जिसने कि ऐसा कुछ किया है जो वो न्यूज में था और एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए भी हम एक सेशन रखा करेंगे जो डे टू डे बेसिस पे पर्सन ऑफ द डे या पर्सन ऑफ द वीक हम लेकर के चला करेंगे, जिसमें आपके कोई भी लोग हो सकते हैं, वो एक या दो लोग नहीं होंगे, वो बंच ऑफ पीपल भी हो सकता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। बज वर्ड्स से मतलब है मेरा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर कोई ऐसे वर्ड्स हैं जिन्होंने बज क्रिएट किया है, जिन्होंने जो खबर बन गए हैं, जिन्होंने चेंज कर दिया है कुछ लोगों के सोचने का तरीका, या फिर उन्होंने कोई ऐसा टेक्निकल वर्ड है, या फिर जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल आपसे कहूँ जैसे सेल्फी है या इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिन्होंने लास्ट के एक दो साल में जो काफी इनके बारे में बातचीत हुई और ये एग्जाम में भी आए। तो या फिर एक टेक्निकल वर्ड भी, एक पीछे मैंने देखा था कि एक जैमर जैमर करके एक वर्ड था टेक्निकल, तो उसका मीनिंग बड़ा सिंपल था, लेकिन जब वो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि हम किस तरीके से इसको बोलना चाह रहे हैं। ब्लैक बॉक्स करके वर्ड होता है, तो वो ये बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, लेकिन अगर आपने स्किप कर दी हैं या आपको टाइम हो गया उस बारे में जाने हुए, तो ये वर्ड्स अभी जो मैंने दो तीन आपको बताई अभी पीछे ही एग्जाम्स में आए हैं और लोगों ने गलतियां करी हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट अगर आपके दिमाग में दूसरा चल रहा है तो आप उसको फिर दूसरी चीज से जोड़ देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेटेस्ट टेक इन न्यूज, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अगर कोई हुआ है, अभी पीछे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं टच पैनल से लेकर के प्लाज्मा OLED से लेकर के DNA सीक्वेंसिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजिकल और नैनोटेक्नोलॉजिकल जो आपकी एडवांसमेंट है या कोई नई रिसर्च है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी अपनी जगह बनाते हैं, क्योंकि इनका जो इम्पैक्ट है वो काफी लॉन्ग टर्म होता है और एक बहुत बड़े हिस्से पे ये अपना जाकर के फर्क डालते हैं, तो एग्जामिनर इंटरेस्टेड रहते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को पूछने में। लेटेस्ट एक्सकेवेशंस, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर हिस्टोरिकल कोई भी सोसाइटी है जिसने कोई ऐसी एक्सकेवेशन करी है जिससे कि हिस्ट्री का एक कोई हिस्सा निकल के आ रहा है, या फिर वो किसी सभ्यता से जुड़ी हुई हो सकती है, या बुद्धा से रिलेटेड कोई साइट हो सकती है, या विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड कोई साइट हो सकती है, अशोकन टाइम्स की हो सकती है, तो ये चीजें आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और स्टेट लेवल के एग्जाम में और PSCs में इससे काफी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। और एनी अदर टॉपिक, अगर कोई ऐसा टॉपिक होगा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा और मुझे लगेगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, तो डेफिनेटली मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी मैंने आपको जो भी बताया हिंदू और PIB के बारे में और जो भी मैगजीन्स वगैरह का मैंने रेफरेंस दिया, तो उसका इम्पोर्टेंस आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिखाए हैं, ये अभी रिसेंटली ही क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं और इनका जो रूट है, इनका जो क्वेश्चंस को निकल के आए हैं, ये हिंदू और PIB से ही निकल के आए हैं। अब जैसे कि क्वेश्चंस एम स्ट्रिप्स के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये एक टाइगर के कैलकुलेशन के लिए, टाइगर के नंबर को कैलकुलेशन करने के लिए ये एक टेक्नोलॉजी है, इससे क्वेश्चन आया था। नॉमिनल GDP एंड GDP ऑन पे पैरिटी, अब ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि प्रेस रिलीज जो है आपकी PIB की या हिंदू में इसके बारे में जिक्र हुआ था,
एक इंटरव्यू एक्चुअली हुआ था जिसमें कि एक बहस हुई थी कि इंडिया जीडीपी में वर्ल्ड में कौन से नंबर पे है। तो तीसरे पे है किसी हिसाब से, पे ऑन पे पैरिटी पे तीसरे पे है, नॉमिनल में पांचवें पे है या जो भी है। तो अब वहां पे एक न्यूज क्रिएट हुई और एग्जामिनर को लगा कि ये अगर एक कंफ्यूजन है या इसमें लेकर के एक डिस्प्यूट है तो क्यों ना हम उसकी क्लैरिटी स्टूडेंट से, कैंडिडेट से लेते हैं। तो वहां से ये क्वेश्चन उठ करके आया, जजेस इंक्वायरी एक्ट। अभी हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके ऊपर एक केस लॉन्च हो गया था, तो वहां से अब वो उठा फिर पेपर्स में और सब जगह चला कि भाई उनके ऊपर इंक्वायरी सेटअप करने का क्या तरीका है, या उनका जो महाभियोग जिसको हम बोलते हैं वो हम कैसे उसको चला सकते हैं, इम्पीचमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो वहां से जब वो बहस शुरू हुई तो एग्जामिनर को जजेस इंक्वायरी एक्ट के बारे में उन्होंने पूछा आपसे एग्जाम में। तो इससे एक पता चलता है कि आप चीजों को कैसे कनेक्ट करते हैं खुद से, आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को कैसे कनेक्ट करते हैं। एफसीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड अगर आपको वैसे कोई न्यूज नहीं मिलेगी, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने एफसीआई का कोई टाई अप हुआ होगा या एफसीआई का कोई चेयरमैन अपॉइंट हुआ होगा, ये तो चीजें ऐसी हैं जो कि आपको न्यूज में मिलेंगी। लेकिन अभी प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल से लेकर के या फिर एक आलू की एक वैरायटी को लेकर के अभी एक डिस्प्यूट हुआ था तो एफसीआई उसमें इन्वॉल्व था, तो वहां से वो क्वेश्चन निकल के आया था जिसके बारे में कि आपको हिंदू और पीआईबी को अगर आप डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसी तरीके से नीति आयोग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जिनमें कि आपका एसडीजी इम्प्लीमेंटेशन आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गोल्स, जिसकी कि इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो है वो नीति आयोग है, या फिर एआईएम अटल इनोवेशन मिशन। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपको नॉर्मल कोर्स में, मैगजीन्स में इनके बारे में बहुत ही एक आउटलाइन सी दी होगी, लेकिन आप अगर इस सेशन को ज्वाइन करेंगे तो आपको मैं इनसाइट दूंगा जिससे कि आप इन चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो ये मैंने एग्जांपल्स दिए थे कि कैसे हिंदू और पीआईबी की जो कंटेंट है वो आपके काम आ सकता है, और कैसे कि आपको ये क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़े से लीक के हटके, लीक से हटके होंगे लेकिन आप उनको कर पाएंगे अगर आप सेशन को ज्वाइन करेंगे। इनके अलावा कुछ और चीजें जो डिस्कशन में मैटर रहते हैं, जैसे कि आपका ग्लोबलाइजेशन हो गया, वीमेन एम्पावरमेंट हो गया, सोसाइटल चेंजेस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, वर्तमान में भारत में कोई भी सोसाइटी में अगर कोई चेंज आ रहा है, कोई भी एक ऐसा फैक्टर है जो सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा है और जो कि सोसाइटी जिससे चेंज हो रही है, तो ये चीजें हमारे लिए डिस्कस करने के लिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर आपका कोई भी एग्जाम है जिसमें कि 25 क्वेश्चन भी अगर जनरल स्टडीज के आ रहे हैं तो कम से कम 1-3 क्वेश्चन आपको 100% कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेंगे। पॉलिटी का जो मेजर पोर्शन है, पॉलिटी जो आपका एज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स अगर आप देखेंगे तो 70-80% आपको पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन की ही स्टडी है, बाकी 20-30% में आपके पॉलिटी के बाकी चीजें आती है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को हमें डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पार्ट्स जैसे कि प्रेम्बल, हमारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीओएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान की अनुसूचियां, अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में जो भी जो है वो किए गए हैं, संशोधन किए गए हैं, 124th अमेंडमेंट, 123rd अमेंडमेंट, 121st अमेंडमेंट, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं, जल्दी जल्दी ये हुए हैं और एग्जामिनर जो है इंटरेस्टेड रहे हैं कि अमेंडमेंट नंबर को दे करके अमेंडमेंट कौन सा था या उससे क्या हुआ था वो पूछने के लिए। वर्किंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के काम करने का जो तरीका है, कौन सा बिल कब जो है प्रेजेंट किया जाता है, फिर वो कैसे काम करता है, प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, इनका नंबर कितना है, लोकसभा और राज्यसभा की मेंबरशिप कितनी है, इसी तरीके से आपका इनकी पावर्स क्या क्या है, लोकसभा और राज्यसभा की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पावर इनको जो है दी गई है, और ज्वाइंट सिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो आपके अपर हाउस और लोअर हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम काफी फोकस के साथ डिस्कस करेंगे। रिपोर्ट्स पब्लिश बाय वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेटिव पोजिशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड ऑर्डर, जो डिफरेंट डिफरेंट आपकी रिपोर्ट्स हैं जो कि पब्लिश होती रहती हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो वर्ल्ड लेवल के हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस है आपका,
आईबीआरडी मतलब इंटरनेशनल बैंक ऑफ फॉर रूरल डेवलपमेंट, इसी तरीके से आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है या वर्ल्ड बैंक है, इनकी कई रिपोर्ट जैसे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट निकलती है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकलता है, या फिर आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रिपोर्ट है, तो इसमें इंडिया की जो रिलेटिव रैंकिंग है वो क्या है, पिछली बार क्या थी, अभी क्या हो गई, या उसको ना उस इंडेक्स को जो है मेजर करने की क्या क्या फंक्शन है जिन पे वो डिपेंड करती है, तो ये चीजें ऐसी हैं जो एग्जामिनर आपसे आजकल पूछ रहा है। और क्योंकि अब एक ग्लोबल वर्ल्ड है, कोई भी कंट्री सेपरेट होके नहीं रह सकती, तो जो पॉलिसी प्लानिंग है, इंटरनल पॉलिसी प्लानिंग में भी ग्लोबल जो है इंस्टीट्यूट्स हैं उनका रोल बढ़ रहा है। तो इसलिए एग्जाम के हिसाब से अगर आप किसी भी टॉपिक को पूरा होलिस्टिकली पूरी तरीके से आप उसको तैयार करना चाह रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की उस चीज के लिए क्या राय है। इसलिए ये सेक्शन हमारा एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक छोटा सा ग्राफिक्स है कि अगर आप न्यूज़पेपर, पीआईबी और मैगजीन्स को अलग अलग करके पढ़ेंगे तो किसी भी न्यूज का जो एक कहना चाहिए कि पूरा कंप्लीट नॉलेज है वो आपको नहीं हो पाएगी। न्यूज़पेपर में कुछ और स्टफ दिया होगा, पीआईबी में उसके अलावा कुछ और स्टफ दिया होगा, मैगजीन्स और अगर और भी कोई आप ऑनलाइन मटेरियल रेफर करेंगे तो वहां आपको कुछ और स्टफ दिया होगा। अगर इनमें से एक भी चीज आपने छोड़ दी तो उसका इन्फॉर्मेशन का कुछ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे छूट जाएगा। इसीलिए हम किसी भी चीज को पूरा कंप्लीट पढ़ाई करने के लिए हमें उसको जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन सभी जगह से उसको कलेक्ट करना होगा, सिंक्रोनाइज करना होगा और एक दूसरे से जोड़ करके फिर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। अब एक ये एग्जाम्पल है जैसे जो अप्रोच मैं अप्लाई करूंगा आपको पढ़ाने के लिए, जिस अप्रोच के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा अभी आपके सामने। अब ये मैंने जो टॉपिक लिया है, इस टॉपिक को पढ़ने से आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि करंट अफेयर्स के हिसाब से ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है, सपोज आपने न्यूज़पेपर खोला और आपको देखा कि नोवाक जोकोविक जो है क्लिंच दी यूएस ओपन, तो वो आपके आपको दूर से दिखेगा कि भाई मेरे करंट अफेयर्स के पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप उसको नोट डाउन कर लेंगे कि नोवाक जोकोविक जो है यूएस ओपन जीत गए। लेकिन अब आप कोई ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं, सपोज करिए द फ्लॉड स्पिन टू इंडिया कॉटन स्टोरी, भारत की जो कॉटन का प्रोडक्शन है, कपास का जो उगाना है या उसका उसकी प्रोसेसिंग है या उसको बेचना है, उसको फ्लॉड स्पिन यानी कि उसमें गलतियां क्या क्या रही हैं, इस बारे में ये एक हिंदू का आर्टिकल है, इसमें बात हुई थी। अब आप देखेंगे कि इसमें कैसे करंट अफेयर्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, कैसे आप देखेंगे कि ये आपको क्वेश्चन इसमें से निकल सकते हैं। अब देखिए पहला जो मैंने इसमें टॉपिक पहला जो पॉइंट बनाया है वो कि इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, इंडिया हमारा कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन सकता है नियर फ्यूचर में। प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिया इज लो कंपेयरिंग टू दोज ऑफ अदर बिग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन। अब इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो कॉटन का बन सकता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिया पर यूनिट एरिया यानी कि प्रति इकाई हेक्टेयर जो है, पर यूनिट हेक्टेयर में जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत लो है, और ऐसा इंडिया की कई फसलों के साथ है, जैसे गेहूं है, गन्ना है या जूट है। इंडिया की प्रोडक्टिविटी तो वर्ल्ड लेवल पे काफी हाई है, लेकिन उसकी जो पर यूनिट एरिया प्रोडक्टिविटी है वो काफी लो है। प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि इंडिया की जो एरिया कल्टिवेटेड एरिया है उस पर्टिकुलर प्रोड्यूस के लिए जिसकी हम बात कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे कॉटन, तो प्रोड्यूस एरिया बहुत है लेकिन उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी लो है। थर्ड आप देखेंगे कि इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ जीएमओ रेगुलेशन। जीएमओ रेगुलेशन इन द सेंस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रेगुलेशन का इंडिया एक सिग्नेटरी है। अब जीएमओ रेगुलेशन में आपकी दो चीजें आती हैं कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड कार्टागिना प्रोटोकॉल। तो कार्टागिना प्रोटोकॉल को जब इंडिया ने साइन किया है तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिया एंड इट इज मैंडेटरी फॉर इंडिया टू फॉलो दोज गाइडलाइंस जो इस कन्वेंशन में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की और कार्टागिना प्रोटोकॉल में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए जो रेगुलेशन दी गई है इंडिया को वो फॉलो करना पड़ेगा। तो यहां से क्वेश्चन आपका जीएमओ रेगुलेशन के बारे में एक बन सकता है कि व्हाट आर जीएमओ रेगुलेशन और व्हाट आर दे रिलेटेड विद। इसी तरीके से आप फाइनल पॉइंट देखेंगे कि इन इंडिया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म GMOs एंड द प्रोडक्ट्स thereof आर रेगुलेटेड अंडर द रूल्स फॉर द मैन्युफैक्चर यूज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म और सेल्स 1989 रेफर टू रूल्स 1989।
यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के यूज करने के लिए, उसके इंपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, स्टोरेज के लिए, या फिर उस पर जेनेटिकल इंजीनियरिंग यानी फर्दर कोई अगर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको जीएमओ गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये गाइडलाइंस नोटिफाई कहाँ पे हुई हैं? दे आर नोटिफाइड इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो आपकी ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलती है। अब ऑप्शन में आपको क्या क्या आ सकते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ सकता है, एक ऑप्शन वो आपको दे देंगे कन्वेंशन ऑन, एक उन्होंने मान लीजिए आपको दे दिया कि टाइगर का दे दिया जो TNCA है, एक क्वेश्चन एक उन्होंने ऑप्शन आपको और कोई प्रोटोकॉल दे दी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या क्योटो प्रोटोकॉल, और फोर्थ ऑप्शन में मान लीजिए उन्होंने आपको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 दे दिया। तो अब अगर आपने इस पॉइंट को टच नहीं किया तो ये क्वेश्चन आपके गलत करने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे, और ये क्वेश्चन भी आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड होगा और करंट अफेयर्स का भी होगा, लेकिन करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी करने के बाद भी आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे अगर आपने इस तरीके से पढ़ाई नहीं करी। तो यही मेरा आपसे कहने का मतलब था कि एक ऐसा टॉपिक जो कि आपको करंट के हिसाब से यूजलेस लगे उसमें भी हो सकता है कि करंट से रिलेटेड आपका कोई इंफॉर्मेशन हो। तो यही मेरी अप्रोच रहेगी कि मैं आपको इस तरीके से तैयारी कर रहा हूं। अब एक एग्जाम्पल मैं PIB रिलीज कर लूंगा, वो मेरा एग्जाम्पल हिंदू पेपर का था, ये मैं PIB रिलीज का एग्जाम्पल लेता हूं। अब ये एक रिलीज है एक दो दिन पहले की कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल चेयर्ड बाय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह अप्रूव्स सेवरल प्रोक्योरमेंट प्रपोजल्स टू बूस्ट मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने अपना अप्रूवल दिया है सेवरल प्रोक्योरमेंट प्रपोजल्स को, कुछ प्रोक्योरमेंट इन द सेंस खरीदने के लिए प्रपोजल जो है उसको उन्होंने अपना अप्रूवल दिया। अब दिस न्यूज may not look very important for current affairs for examination, लेकिन जब आप इसमें देखेंगे तो आपको इसमें दो या तीन ऐसे वर्ड दिखेंगे जो कि आपके करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट होंगे। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हेडेड बाय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह इन इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑफ 2020 DAC इज सेट अप फॉर टू प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर एक्विजिशन प्रपोजल, यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है एक्विजिशन के लिए प्रोक्योरमेंट प्रपोजल्स को कंप्लीट करने के लिए। थर्ड पॉइंट आप देखेंगे कि दिस प्रोग्राम इज बीइंग प्रोग्रेस अंडर द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल प्रमल्गेटेड इन 2017 टू गिव अ मेजर बूस्ट टू मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया को बूस्ट देने के लिए ये जो मॉडल है वो फॉर्मुलेट किया गया था जो 2017 में शुरू हुआ था, और इसके जो बेसिस है वो ये है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल, यानी सामरिक भागीदारी के साथ मेक इन इंडिया को बूस्ट देने के लिए इस मॉडल को हमने अप्लाई किया है। DAC आल्सो अकॉर्डेड अप्रूवल फॉर इंक्लूजन ऑफ इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX, स्मॉल में कह रहे हैं इसको IDEX फॉर इन डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, यानी डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, डिफेंस के जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनका खरीदने के लिए प्रोक्योरमेंट के लिए IDEX अप्रोच को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। IDEX इन द सेंस इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, यानी डिफेंस एक्सीलेंस में इनोवेशन, नई नई टेक्नोलॉजीज को आगे लाने के लिए ये कमेटी ने अपनी अप्रूवल दी है। अब यहाँ पे IDEX वर्ड आपका एक वर्ड है जो कि आप एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। डिफेंस एक्विजिशन के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल, इस बारे में आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल, ऑफकोर्स नाम से आप इसको थोड़ा सा यूज कर सकते हैं कि इट मे बी रिलेटेड टू डिफेंस, लेकिन अगर आपने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक बार नजर नहीं डाली है तो हो सकता है कि आप इसको गलत कर दें, क्योंकि ये रिलेटेड है प्रोक्योरमेंट ऑफ इक्विपमेंट जो कि डिफेंस के हैं, और इसमें आप अगर एग्जामिनर आपसे घुमा के पूछेगा तो हो सकता है कि आप इसको गलत कर जाएं। तो इसी तरीके से मैंने आपको ये दो बहुत ही ऐसे टॉपिक चुने जो कि बिल्कुल ही यूजलेस हमको महसूस होंगे अगर हम इसको डायरेक्टली पढ़ेंगे अपने करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप इसको देखेंगे अगर आप इसमें थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो आप देखेंगे IDEX, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल और उसका काम क्या होता है, उसको हेड कौन करता है यानी कि रक्षा मंत्री करते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर डायरेक्टली आपसे पूछ जाएंगे और ये टॉपिक आपने टच नहीं किया है तो हो सकता है कि आप उसको गलत कर दें, हो सकता है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का हेड जो है आप सेक्रेटरी डिफेंस को लगा करके आ सकते हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर को लगा करके आ सकते हैं या फिर कोई भी एक ऐसी
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अब एक पोस्ट क्रिएट हो गई है, तो हो सकता है कि आप उसको टिक कर दें, क्योंकि अगर आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आप इसको गलत कर सकते हैं। तो यही मेरा आपको ये एग्जाम्पल देने के पीछे मोटिव था कि जो आपको पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट हमारे होते हैं एग्जाम से रिलेटेड। सेल्फ स्टडी के लिए मैं कुछ आपको असाइनमेंट्स दूंगा, जिसमें कि एनालिसिस ऑफ न्यूज ओपिनियंस ऑफ एमिनेंट पर्सन, यानी एमिनेंट पर्सन जो भी अपने अपने फील्ड के रिसर्चर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, या उन्होंने उस फील्ड में कोई डीप एनालिसिस किया है जो कि हमारे पॉलिसी प्लानिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उसका एनालिसिस के लिए मैं आपको कुछ नाम दिया करूंगा, और मेरी आपसे उम्मीद रहा करेगी कि आप उसका सेल्फ स्टडी में अपने इंक्लूड करें। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया, कंटेम्प्रेरी इंडिया में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होगा तो वे भी मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि आप उसको पढ़ें। ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज में मैं जो रेफर करूंगा, नीति आयोग की एक्टिविटीज, ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, या ऐसी जो और भी फाउंडेशन है इंडिपेंडेंट, इनकी एक्टिविटीज को, डाउन टू अर्थ मैगजीन को, द कन्वर्जेशन एक ओपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसका जो डिस्कशन है वो काफी आपको मददगार हो सकता है, और आपको नए टॉपिक जो वर्ल्ड लेवल पे हॉट टॉपिक्स हैं उसके बारे में आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। हिंदू बिजनेस लाइन, ये आपके इकोनॉमी के पोर्शन को काफी स्ट्रॉन्ग करेगी और जो भी करंट ट्रेंड्स हैं वो आपको बताएगी। इंडिया टुडे एक ये आपकी एक मिक्स मैगजीन है जिसमें आपको इकोनॉमी, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, मार्केट, सिक्योरिटी, इन सबसे रिलेटेड आपको इसमें टॉपिक मिलेंगे और एग्जाम के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। कुछ ज्योग्राफिकल इन्होंने अपने ये आर्टिकल्स और एडिटोरियल देते हैं जो आपके ज्योग्राफी और हिस्ट्री के पोर्शन में भी काम में आ सकते हैं। So that's all for the day. Thank you very much. I hope that you have enjoyed my session. And work hard and try to achieve your goal. Thank you very much.